शाही पाकिस्तान से पार्ट टू के प्रमोशन के लिए डायरेक्टर राजकुमार पांडे व चिंटू पांडे सहित पूरी टीम पहुंची वाराणसी। आपको बता दें गुरुवार को फिल्म प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंचे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान चिंटू पांडे ने बोला बनारस से उनको काफी लगाव है, वे जब भी बनारस आते हैं तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। आपको यह भी बता दें फिल्म में हीरोइन की भूमिका में सुरभि शुक्ला, गुंजन कपूर, प्रिया कपूर तथा सुधीर शर्मा है, जबकि मशहूर यूट्यूबर विजेंद्र सिंह कॉमेडी कर रहे हैं, इनकी कॉमेडी देखते बनेगी। वहीं पवन परदेसी, आलोक कुमार, कल्पना तथा सोलाली ने गीत गाया है। वाराणसी से पीपीसी रिपोर्टर कृष्णा सिंह की ये रिपोर्ट। जोला का नाम है दुल्हन शाही पाकिस्तान से। 2016 में हमारे को सिनेमा आए थे जोला का नाम है दुल्हन शाही पाकिस्तान से, बहुत बड़ हिट रहे सिनेमा 2016 के ब्लॉक बस्टर। वही फिल्म में हम पहला बार भोजपुरी का जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, थोड़ा सीक्वल बनाने वाले हैं फिल्म के, प्रॉपर सीक्वल कहा जा सके। बस ये कि आप लोग आके देखें भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिनेमा का हमारी कोशिश बड़े पैमाने पर आप। सबसे पहले तो हम सबके अपन प्रणाम तो करें, भोजपुरी भाषी सभी लोग जो हमको देखा था पवन परदेसी के प्रणाम कर सबके। और हम खास वो पिक्चर कहते हैं यहाँ पे आई बनी जो पिक्चर इस साल की सबसे बड़ी और भोजपुरी के सबसे महंगी पिक्चर बात तो नहीं चाहिए पाकिस्तान से पार्ट टू, जेकर स्टार बड़े हमारे बड़ भाई प्रदीप पांडे चिंटू और चिंटू पांडे और मन निगेटिव रोल में जो बैठे साउथ के और हिंदी के बिगेस्ट स्टार राहुल देव जी। कौन सा गाना आपने गाया गाया हम चाहते थे अपने दर्शकों इस फिल्म का? तो मैक्सिमम गाना मैं ही गाया हूँ, लेकिन उसमें सबसे जो पूरी यूनिट को हमारे शूटिंग सेट पे चाहे पूरी मूवी में जो हमारे यूनिट को पसंद है गाना सैड सॉन्ग, मैं वो थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा। चनवा तरैया उतलैया दे दी प्यार के गवाही, तोहरा के केहू नहीं इतना ले चाही, टुकड़ा टुकड़ा दिल के कहलू देता वे दुहाई जसन उधर जाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईवी विजेंद्र सिंह। आज हमनी के लिट्टी बाटी बनारस में बनी सन, हमनी के हमारे फिल्म पहला फिल्म रिलीज हुई बा दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। डायरेक्टर राजकुमार पांडे भैया, चिंटू भाई, पहला बार हमें रोल के दिखे। हम लोग कहे तू का कर ला, हम कहने भैया हम सामाजिक काम करें। हाँ सावल सामाजिक काम है, मैं लोग टेंशन बा केहू नौकरी के केहू मेहरारू के केहू साली के केहू सड़ुगाना के, एम ए अगर केहू के हंसा देता तो बहुत बड़ बात बा। इसमें क्या किया आपने कुछ कॉमेडी? हाँ एम ए का भेल बा ना कि राजकुमार भैया हमारा पाकिस्तान निकल भेजत, कहे तो भगवान राम हनुमान जी के भेजले रहे श्रीलंका के, तनि सीता के पता लग गई तो मैं लंका जा रहा है। भाई जितना बुद्धि रहे उतना काम कैले, हमारा बुद्धि रहे तो ये कल कहीं पाकिस्तान जाए गड़बड़ा मत दे। एमें हमारे को डायलॉग बा कि ये जी तो भले तार हित ना हो पैनी, लेकिन पाकिस्तान गई रहती तो मैं पाकिस्तान के बहनोई बन के जरूर आई। सबसे पहले सभी दर्शकों को उनकी सबसे चाहते हैं कि अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, सलाम है। और अभी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म और मेरी और साथ साथ भोजपुरी की सबसे बड़ी सबसे महंगी और बिगेस्ट स्टारर फिल्म जिसका नाम है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से टू आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में लगी है, यानी कि वाराणसी के बनारस के आनंद मंदिर में लगी है, आपके अपने सिनेमा हॉल में लगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सिनेमा हॉल में आकर इस सिनेमा को ज़रूर देखें, क्योंकि इस फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत किया गया है। पूरे टीम ने, पूरे यूनिट ने, जितने भी टेक्नीशियन, जितने भी कलाकारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस फिल्म में, और इस फिल्म में सबसे ज़्यादा लागत लगी है, सबसे ज़्यादा पैसे खर्चे हुए इसमें। ये फिल्म 2016 में आई मेरी फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से का सीक्वल है, उसका पार्ट टू है, दूसरा भाग है। वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को भी वैसा ही प्यार दें, बल्कि उससे ज़्यादा प्यार दें और इस फिल्म को बहुत बड़ी हिट कराएं, क्योंकि हम सबकी बहुत उम्मीदें हैं इस फिल्म से। आप सभी से कि भोजपुरी को और आगे बढ़ने में आप सबका बहुत साथ चाहिए। तो आप लोग आकर जब तक सिनेमा हॉल में आकर सिनेमा को नहीं देखिएगा तब तक भोजपुरी और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग
अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में यानी कि हमारे वाराणसी के वासी सभी आनंद मंदिर में आकर इस सिनेमा को ज़रूर देखें। क्या कुछ अलग है इस फिल्म में आपकी पहले? बहुत कुछ अलग है। अगर कहीं लोग सोच रहे हैं क्या कहानी मिलती जुलती है ऐसा, तो बिल्कुल है, उससे काफ़ी हटकर कहानी है। पहला वाला भाग जो था उसके आगे की कहानी है और बिल्कुल नई कहानी है। ये लोग सोच भी नहीं सकते कि इसका मेन कहानी क्या है, ये हमने ट्रेलर में भी नहीं दिखाया है। और जिन लोगों ने इसके ट्रेलर्स नहीं देखे हैं वो लोग यूट्यूब चैनल धुन म्यूजिक्स पर जाकर इस फिल्म के ट्रेलर्स देखें, उस पर इसके ट्रेलर हैं। और आप लोग जैसा कि ट्रेलर देखे होंगे तो काफ़ी कुछ एडवेंचरस आप लोगों को दिख रहा होगा, काफ़ी कुछ थ्रिल आप लोगों को दिख रहा होगा। उसमें हमने मेन कहानी ट्रेलर में नहीं दिखाया है, वो मेन कहानी जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग रोमांचित हो जाएंगे, आप लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये भोजपुरी में हमने काफ़ी कुछ नया, काफ़ी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की है इस फिल्म में। तो जो लोग भी एक भव्य सिनेमा देखने का सोच रखते हैं भोजपुरी में, जो लोग बड़ी फिल्म देखने का, बड़ी स्टार फिल्म देखने का जो लोग सोच रखते हैं, वो लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि ये भोजपुरी अब तक की सबसे भव्य फिल्म है। काफ़ी कमेंट्स मिलता था हमें कि भैया भोजपुरी में हमें भव्य फिल्म देखने को नहीं मिलता है, बड़ी फिल्म देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि साउथ में हिंदी फिल्म में देखने को मिलता है। तो हमने बहुत प्रयास किया है कि हमने हिंदी के कई कलाकारों को इस फिल्म में लिया है, जैसा कि मेरे अलावा राहुल देव जी हैं, अरुण बख्शी जी हैं, राहुल देव जी जिन्होंने चैम्पियन इंडियन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है हिंदी फिल्म साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में। अरुण बख्शी जी हैं, राजू श्रेष्ठा जी हैं, इशरत खान है हिंदी सिनेमा से। उसके अलावा हीरोइंस की अगर नायिकाओं की बात करें तो बिग बॉस में मोना लिसा जी हैं, शुभी शर्मा जी हैं, गार्गी पंडित हैं, प्रियंका पंडित आप सबकी काफ़ी चाहती, और प्रिया शर्मा हैं, गुंजन कपूर जी हैं, और एक नई अदाकारा हमने इस फिल्म में लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरभी शुक्ला, जो पहली बार काफ़ी खूबसूरत है, जो पहली बार भोजपुरी में जिन्होंने कदम रखा है। और इस फिल्म में एक जो तड़का है बीआरबी विजेंद्र सिंह जी, जो आप सबको जिनका फनी वीडियो आप लोग खूब देखते हैं, वो पहली बार वो भोजपुरी फिल्म में आप सबको खूब हंसाते नजर आएंगे। तो काफ़ी कुछ है इस फिल्म में, और इसमें अगर हमारे कल्चर की बात की जाए, भोजपुरी संस्कृति की बात की जाए, तो सब कुछ है। तो मैं हमारे सभी माताओं बहनों से, सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने परिवार के साथ अगर इस फिल्म को ज़रूर देखें।